अंजेमसी मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब मजे में होंगे। हमेशा की तरह डेली लाइफ से रिलेटेड सम गुड न्यूज लेकर मैं विजय छेत्री फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सबके सामने। चैनल पे नए आए हैं और मेरी वीडियोस यदि आपको अच्छा लगे तो मुस्कुराते हुए मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आइए आज हम एक एक्सरसाइज पेपर से अपने लाइफ की सबसे बड़ी समस्याओं को आसानी से हल करने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों आज संसार के ज़्यादातर लोगों के लिए एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब शायद अच्छा एजुकेशन, अच्छी नौकरी, अच्छा घर और अंत में बीवी बच्चों के साथ एक सेटिस्फाइड लाइफ होगा। लेकिन दोस्तों क्या यही लाइफ है? क्या इससे अधिक भी कुछ और है? आइए जानते हैं इस पेपर की मदद से। दोस्तों आज लोग भले ही एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं शांति और खुशी की कमी है। भले ही वो बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर वे समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा एक आदमी राज एक दिन अपने घर से उस खुशी और शांति की तलाश में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे आदि में पहुंचता है, पर उसे वहां शांति नहीं मिलती और वो निराश होकर सोचता है क्यों न मैं एक आलीशान मकान बनाऊं जहां हर सुख सुविधाएं मौजूद हो। फिर वो मेहनत करता है और अपने मेहनत के पैसों से एक बड़ा और सुंदर घर बनाता है, पर कुछ दिनों बाद उसे वहां भी वो शांति नहीं मिलती जिसकी वो तलाश में था। फिर वो सोचता है शायद दूसरे देशों में घूमने पर वो खुशी और शांति उसे मिले, तो वो अपने फैमिली के साथ स्विट्जरलैंड ट्रिप में चला जाता है और वो वापस अपने घर खुशी खुशी पहुंचता है, पर फिर से वो अपने आप को अशांत पाता है। तब परेशान होकर वो गलत चुनाव कर बैठता है और गलत संगत और गलत चीज़ों का सेवन करने लगता है जिससे उसका पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है। उसके बाद राज इधर उधर भटकता है, दर दर की ठोकरें खाता है और एक दिन होश में आता है। उसके बाद वो अपने बुरे कर्मों को मिटाने के लिए अच्छे कर्म करने लगता है, धार्मिक कार्य और समाज सेवा भी करने लगता है, पर फिर भी उसका अशांत मन शांत नहीं होता है और डिप्रेशन के चलते एक दिन उसका मौत हो जाता है। पर वो खुद को गॉड के सामने पाता है जहाँ वो गॉड से उसे स्वर्ग ले जाने को रिक्वेस्ट कर रहा था। तब गौर उसे जवाब देते हुए कहते हैं आओ देखे तुमने संसार में कैसा जीवन बिताया था, तुमने तो अपना पूरा समय अपने आप को खुश रखने में ही बिताया, फिर गलत संगति गलत बातों में फंस गए, फिर अच्छे कर्म और धर्म करने का ढोंग किया, इसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा जो है नर्क यानी हेल। तब राज डर कर पूछता है कि तुम्हें स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? तो गौर उसे कहते हैं मैंने सारे मानव जातियों को उनके पापों से बचाने के लिए जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में भेजा था, जिन्होंने उस क्रॉस पर सारे मानव जातियों का पाप का दंड यानी पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया, जिन्होंने कहा था मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास यानी स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, और जिस शांति की तलाश में तुम थे वो सच्ची शांति में ही तुम्हें दे सकता हूँ, कोई सांसारिक वस्तुएँ नहीं। इसलिए तुम्हें समय रहते उस ज्योति की तलाश करना चाहिए था जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं और जिसने कहा कि संसार की ज्योति में ही हूँ। तब राज को अपनी गलती का एहसास होता है कि क्यों उसने जीवित रहते अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं ढूंढा जो सच्चे शांतिदाता और मुक्तिदाता थे, और वो गॉड को रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक चांस दे ताकि वो अपने बीवी बच्चों को गुड न्यूज़ यानी गौर के प्रेम के विषय में बता सके। गौर से कहते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ को जीवित रहते ही एक जगह से दूसरे जगह पे लगाया जा सकता है मरने के बाद नहीं, उसी तरह मनुष्य को जीवित रहते ही अपने सच्चे खुदा को ढूंढकर विश्वास कर लेना चाहिए। पृथ्वी पर रहने के समय मैंने अनेक लोगों और अनेक तरीकों से तुमसे बातें करने की कोशिश की पर तुमने इनकार किया, अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो दोस्तों ये था राज की दुख भरी कहानी जिसे हमने देखा एक्सरसाइज पेपर के जरिए, जिसको अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो अवश्य शांति और मुक्ति पाने का राज समझ गए होंगे जो केवल एक सच्चे परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। अगर फिर भी मेरी बातें आपको विश्वास नहीं है तो सच्चाई की तलाश करें, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड लव्स यू सो मच। बाय बाय।